एवरीवन, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। सो इससे पहले हम लोगों ने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिस्कस किया है, डिटेल से डिस्कस किया है, बट वहां पे जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमने 2x2 आपके पास जो ऑर्डर की डिटरमिनेंट थी हमने उस पे वर्क किया, लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे हमने चेक किया है कि जो हमारी डिटरमिनेंट गिवन है वो हमारे पास क्या है, 3x3 ऑर्डर की आपके पास क्या है डिटरमिनेंट है। इट मीन्स के जो है वो 9 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे क्या है सेम एज इज, हम यहाँ पे इसका भी हमने क्या है माइनर निकाल के दिखाना है और कोफैक्टर निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है, आप लोग ये चेक कीजिए, जब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पे वर्क किया था तो वहां पे हमारा 2x2 ऑर्डर की आपकी डिटरमिनेंट थी, ठीक है। तो एलिमेंट कितने हुए थे 4, और जो उसका माइनर निकल के आया था और जो उसका कोफैक्टर निकल के आया था वो भी 4-4 आए थे, ठीक है। तो सेम एज इज यहाँ पे आप चेक कीजिए, आपकी जो डिटरमिनेंट है वो 3x3 के है, मतलब इसके इस डिटरमिनेंट के जो अंदर एलिमेंट है वो 9 है। तो माइनर भी कितने निकलेंगे 9 निकलेंगे और कोफैक्टर्स भी कितने होंगे 9 होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में रखना है, ऐसा ना हो कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन करते जाओ और बाय चांस एक आपका जो है माइनर आपका स्किप हो जाए, तो थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या निकालने हैं, माइनर्स निकालने हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हम यहाँ पे माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है। सो अब देखो स्टूडेंट, इसको निकालने का जो वे है, ठीक है, अब हम मैं यहाँ पे वो नहीं लिख रही हूँ कि यहाँ पे जो जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने वहां पे लिखा हुआ था ना कि हम लिख रहे थे कि माइनर ऑफ आपके पास जो है एलिमेंट A11 विच इज इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पर M11 की वैल्यू बताई थी, तो मैं वो नहीं लिख रही हूँ इतना। हमने यहाँ पे सिर्फ क्या है 3x3 के लिए, मतलब बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट माइनर लिख दिया है। और यहाँ पे अगर आप M11 लिखोगे ये भी सफिशियंट है, इतना चल जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो M11 है आपने वो लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वही चेक करने का वही वे रहेगा हमारे पास यहाँ पे। 1-1 का मतलब क्या हुआ कि मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे वर्क करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ कि ना ही मुझे फर्स्ट रो का कोई एलिमेंट लेना है ना ही मुझे कॉलम 1 का कोई भी एलिमेंट लेना है। तो जो रिमेनिंग आपके पास जो बच जाएगा स्टूडेंट वो आपको लेना है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच गया स्टूडेंट वो क्या बच गया, हमारे पास डिटरमिनेंट बच गई 1001, मतलब मेरे पास ये बच गया। इसको इसको यूज करने के बाद मेरे पास क्या बच गई थी, ये डिटरमिनेंट बच गई थी ना, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसको स्टूडेंट सोल्व करते हैं। सोल्व करने का वे क्या है, अब यहाँ पे ये मत करना कि ये अब हमारी 2x2 की डिटरमिनेंट बन गया, इसको उस तरह से सोल्व करेंगे, नहीं। ये अब आपने जो है यहाँ पे जो ये प्रोसेस आपने यूज किया है ये आपने माइनर के लिए ही यूज किया है, लेकिन जब आपको अब जो ये आपको सोल्व करने के बाद मिली है, ठीक है, आपने इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग जो आपने इसको सोल्व किया है उसके बाद जो भी आपको ये मिला है ये अब आपकी सिंपल डिटरमिनेंट हो चुकी है। और सिंपल डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते थे आप लोग, आप क्या करते थे, ऐसे करते थे ना, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा और 0 को 0 से करोगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, सेंटर में तो नेगेटिव का साइन आता था 0, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, आपके पास पॉजिटिव, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल जो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते थे अब वो ये यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है M12, मतलब हमें माइनर निकालना है किसका, ऑफ एलिमेंट आपके पास क्या है 1 और 2 का। तो आप 1-2 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो आपकी ये रही और सेकंड कॉलम आपका ये रहा, इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो मुझे फर्स्ट रो का कोई भी एलिमेंट लेना है और ना ही मुझे सेकंड कॉलम का कोई भी एलिमेंट लेना है। तो आपके पास जो रिमेनिंग आपके पास जो एलिमेंट बच गए डिटरमिनेंट के अंदर वो कितने रह गए, आपके पास आ जाएगा 0, 0, 0 और 1, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास ही आ गया और अब क्या करना है, सिंपल इसको एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को मैंने अगर 0 से किया तो स्टूडेंट 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 से मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आपने यहाँ पे निकालना है आपके पास क्या हो जाएगा 1 और आपके पास क्या है 3, ठीक है। 1-3 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो
आपके पास क्या है, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ना फर्स्ट रो का कोई भी एलिमेंट चाहिए ना थर्ड कॉलम का कोई भी एलिमेंट चाहिए, जो डिटरमिनेंट में एलिमेंट बच गए वो क्या है, 0 1 0 0, तो 0 1 0 0, फिर आपके पास कितना आ जाएगा, 0 को 0 से करोगे 0 आ जाएगा, 0 को 1 से करोगे तो भी 0 आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी तक तो हमने कितने फाइंड आउट कर लिए, 3 फाइंड आउट कर लिए, रिमेनिंग कितने रह गए, 6 रह गए। चलो जी इस पे भी वर्क कर लेते हैं, 2 1 पे आ जाओ, सेकंड रो पे आ जाओ, अभी तक तो हम फर्स्ट रो पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, अब हम किस पे वर्क करेंगे, सेकंड रो पे, तो सेकंड रो आपकी चलेगी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ना मुझे सेकंड रो का एक भी सिंगल एलिमेंट चाहिए, ना मुझे कॉलम आपके पास क्या है, 1 का कोई भी एलिमेंट चाहिए, तो क्या बच गया, 0 0 0 1। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट तो आप जस्ट 1 मिनट के लिए अपना हैंड आप वहां पे पुट अप कर लीजिए, तो आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा, जैसे आपने ऐसे किया ऐसे किया तो इजीली हमें पता चल गया कि हमारे पास ये जो है एलिमेंट डिटरमिनेंट के अंदर रह गए। ठीक है, तो हमारे पास इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 को 0 से करोगे स्टूडेंट 0 ही आएगा, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, एम आपके पास 2 2 आ जाएगा। ठीक है, एम 2 2 मतलब हमारे पास क्या है, सेकंड रो और आपके पास क्या है, सेकंड कॉलम, तो हमारे पास कितना, ये आपका सेकंड कॉलम गया, तो 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1। ठीक है, तो 1 को 1 से करोगे 1 आ जाएगा, 0 को 0 से करोगे 0 आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, सेकंड रो बट सेकंड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो 1 0 0 0। ठीक है, तो 1 0 0 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 को 0 से करोगे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, 3 1 पे आ जाओ स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, माइनर निकालना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का। ठीक है, तो माइनर निकालना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, तो कैसे निकालेंगे, इसको रब कर देना थोड़ा सा, ये रबी सा हो गया है, डर्टी सा हो गया थोड़ा। चलो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको करोगे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे निकालना है माइनर रो, किसका निकालना है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे मेरा ये थर्ड रो है और मेरी ये सेकेंड कॉलम है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0, तो ये हो जाएगा, 1 को करोगे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और अगेन 0 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है स्टूडेंट, हमें यहाँ पे माइनर निकालना है किसका, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का, तो हमारे पास क्या है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो मतलब मेरे पास आ जाएगा 1 0 0 1, तो आ जाएगा आपका 1 0 0 1। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इट मीन आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं 3 3, आपके पास ये 3 और 3 6 हो गया, 6 और 3 आपके पास कितने होंगे, 9 हो गए। ठीक है, तो हमने आपके क्या है, माइनर निकालने थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इसके 9 एलिमेंट्स हैं, अगर डिटरमिनेंट के 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 ही आपके क्या निकलेंगे, माइनर निकलेंगे, और 9 ही अभी आप लोगों को क्या निकाल के दिखाने हैं, कोफैक्टर भी आपको फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो फिलहाल के लिए तो आप लोगों के क्या है स्टूडेंट, ये सिर्फ आपका क्या है, माइनर है, और अभी हम यहाँ पे कोफैक्टर को फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो पहले यहाँ पे क्या कर लो, फटाफट से एक रफ सा हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनर्स लिख देंगे कि जो हमारे सारे के सारे माइनर आए हैं वो हमारे पास क्या आए हैं। ठीक है, एम 1 1 हमारे पास 1 आई है। ठीक है, और एम हमारे पास जो 1 2 है वो 0 है, एम 1 3 जो है वो भी 0 है, एम 2 1 जो है वो 0 है, और एम 2 2 वो भी हमारे पास क्या है, 1 है, और एम 2 3 वो हमारी 0 है। ठीक है, तो एम 3 1 ये 0 होगी, एम 3 2 ये क्या होगी, 0 होगी, और एम 3 3 हमारे पास ये कितनी है, 1 है। ठीक है, आप थोड़ा सा चेक करो, ये आप लोगों को प्रॉपर वे से आपको आइडेंटिकल ही मिल, आइडेंटिटी जो होती है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वही मिल गया आपको सेम। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पे इसका कोफैक्टर को निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो कोफैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनर की नीड होती है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है, इसको शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा है, और इसको अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड आउट करके दिखाएंगे। चलो जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोफैक्टर्स,
कि हम कोफैक्टर फाइंड आउट करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो ए वन वन, ठीक है, ए वन वन लिखते हैं डायरेक्ट। हमने क्या कहा वो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए वन वन, उसके लिखने की नीड नहीं है। हमें पता है कि हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो थ्री बाय थ्री के लिए निकाल रहे हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे ए वन वन लिख देंगे। ठीक है, अब आपको एक और चीज मैंने बताई थी, मैंने यहाँ पे बताया था कि वन प्लस वन इंटू में वन वन लिख लो, ठीक है, आपको एक बताया था। लेकिन मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि आप यहाँ पे चेक कर लो कि इसके सफिक्स में क्या है। ठीक है, अगर ये इवन है तो मतलब ये पॉजिटिव आएगा, अगर ये ओड है तो क्या साइन आएगा स्टूडेंट, नेगेटिव का साइन आएगा। तो अगर हम यहाँ से ये वाला भी स्टेप अगर हम स्किप कर दें, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एम वन वन लिख दूं तो मैं समझ सकती हूँ ना कि आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वन वन नेगेटिव वन की पावर क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, और वो मुझे क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो अगर हम पॉजिटिव आपके पास क्या एम वन वन लिखे या डायरेक्ट एम वन वन लिखे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आई है, वन आई है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिया, वन, क्योंकि मुझे पता है एम वन जो आपके माइनर जो है आप लोगों का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, मुझे पता है कि वो वन आया, तो मैंने यहाँ पे वन डायरेक्ट ही लिख दिया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर क्या निकालना है स्टूडेंट, वन आपके पास क्या है, टू। अब आप देखो स्टूडेंट हमारे पास, अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझ आएगा कि अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगर मैं अभी लिख के दिखा देती हूँ आपको, नेगेटिव वन इसके सफिक्स में क्या है, वन प्लस टू इनटू में हमारा वन और टू आता है ना, ये आता है। तो आप ही चेक करो, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वन की पावर हमारे पास, अब यहाँ चेक करो सफिक्स में क्या गिवन है आपको, वन और टू, इट मीन इनको अगर मैं ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ओड नंबर मिलेगा, ओड मिलेगा। ओड का मतलब क्या है, नेगेटिव वन की पावर ओड है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव एम वन टू लिख सकती हूँ ना, डायरेक्ट लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव का साइन अप्लाई कर दिया, मैं ये चीज आपको कह रही हूँ ताकि आपको वो जितना स्टेप है वो भी आप लोगों को ना लिखना पड़े बार बार, क्योंकि आप जब बोर्ड में होते हो एग्जाम्स देते हो तो वहां पे आप लोगों को ये है कि आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ताकि आपका जो क्वेश्चनिंग है वो जल्दी से इजी से जल्दी से सोल्व कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करो हमारे पास क्या है, जीरो है, नेगेटिव की अगर हमारे पास क्या है नेगेटिव जीरो तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम क्या लिखोगे, जीरो ही लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या है, वन आपके पास क्या है, थ्री आ जाएगा स्टूडेंट। अब आप ये चेक करो, ये वन है और ये आपके पास क्या है, थ्री है, तो मतलब हमारे पास क्या है, ये फोर बन जाएगा। फोर हमारे पास क्या होता है, इवन होता है, इवन होता है तो मतलब पॉजिटिव आएगा, और इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वन आपके पास थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए आपके पास क्या है, जीरो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर क्या है, अब इसको यहाँ पे कर दिया, अब यहाँ पे चेक करते हैं आपके पास ए टू वन निकालो। ठीक है, ए टू वन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या बनेगा, ओड बनेगा, टू प्लस वन हमारे पास क्या होगा, थ्री होगा, ये ओड हो जाएगा, ओड का मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा और एम टू वन हो जाएगा। अब आप ये चेक कर लीजिए कि यहाँ पे टू वन की जो वैल्यू है वो क्या है, एम टू वन की वैल्यू है वो जीरो थी, यहाँ पे हमने जीरो अप्लाई कर दी। ठीक है, फिर यहाँ पे ए टू टू, अब आप यहाँ पे चेक करो टू प्लस टू मेरे पास क्या हो जाएगा, इवन, मतलब फोर आ जाएगा, फोर इवन होता है, पॉजिटिव आएगा, तो एम टू टू पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपके पास क्या है, ए आपके पास टू और थ्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोफैक्टर टू थ्री निकालना है। अब यहाँ पे चेक करो स्टूडेंट, ये आपके पास टू है, ये आपका थ्री है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, फाइव आएगा। फाइव हमारा कैसा होता है, ओड होता है, ओड आता है नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, टू थ्री हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव टू थ्री हो गया। और इसके बाद आप इसको यहाँ पे चेक करो कि हमारे पास जो माइनर सेकेंड रो थर्ड कॉलम का कितना आया था, जीरो आया था, तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर ए थ्री वन हो जाएगा हमारे पास, फिर चेक कर सकते हो थ्री प्लस वन फोर, फोर मतलब क्या हो जाएगा, इवन। अगर हमने यहाँ पर क्या नेगेटिव वन की फोर पावर रखेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री वन पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी यहाँ पे वैल्यू चेक करो कितनी है, जीरो है। फिर यहाँ पे ए आपके पास क्या है, थ्री टू है, ये थ्री टू क्या हो गया स्टूडेंट, ओड आएगा, ओड आएगा तो मतलब नेगेटिव आएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ से इवन और ओड आप यहाँ से चेक करना, आपको थोड़ा सा सभी को पता है कि थ्री में वन को ऐड करेंगे तो फोर मिलेगा, फोर है तो इवन है, इवन है तो पॉजिटिव है, बस इवन ओड को चेक करना। अगर आपको लगता है, मतलब आपको लगता नहीं है, मतलब आपको चेक करना है कि ये इवन है तो पॉजिटिव है, ओड है तो नेगेटिव है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है
फिर यहाँ पे चेक करो इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, जीरो है, नेगेटिव जीरो तो कुछ नहीं होता, या पॉजिटिव या आपकी जीरो ही आएगी। फिर आपके पास ए थ्री थ्री आ जाएगा, देखो यहाँ पे आप चेक कीजिए स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है सिक्स होगा मतलब पॉजिटिव होगा, कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करके दिखाना था स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा ये था कि हमें यहाँ पे इसको ये बताना था कि थ्री बाय थ्री ऑर्डर के हमारे पास क्या है डिटरमिनेंट है, मतलब इसके पास क्या है नाइन एलिमेंट है, नाइन एलिमेंट है तो मतलब मैंने आपको बताया था कि इसके नाइन ही माइनर आएंगे, आप चेक कर सकते हैं नाइन ही इसके माइनर आएंगे और नाइन ही इसके क्या है को फैक्टर्स आए हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि नाइन नाइन ही आएंगे इनके। अगर आपके पास टू बाय टू की है तो मतलब आपके पास फोर एलिमेंट होंगे, फोर आपके माइनर आएंगे और फोर आपके पास क्या आएंगे को फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, सो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को सोल्व करके दिखाया है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट जो है वो आप लोग ट्राई करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।